बीज द सफर, खेत विच गन्ने दी बिजाई हो रही सी, माँ ने कामिया लई रोटी तैयार कर दित्ती, मैं अते मेरा भतीजा सुखमन रोटी लै के खेत पहुंच गए। छोलियां दी सब्जी बहुत स्वाद बनी सी, सब ने रज के रोटी खाधी अते कुछ चिर आराम लई बैठ गए। थोड़े समय बाद वड्डे वीर ने चाह बना ली, सब ने चाह पीती अते बिजाई दोबारा शुरू हो गई। गन्ने दे छोटे छोटे टुकड़े जमीन विच दबे जा रहे सन। वड्डा वीर बिजाई किते गन्नियां दे विचकार छोलियां दे दाने दब रहा सी। सुखमन ए सब देख के बड़ा हैरान सी। पापा, छोले तां खाण लई हुंदे ने, तुसी इन्हां नूं मिट्टी विच क्यों दब रहे हो? पुत्तर, छोले भोजन वजो खादे भी जा सकदे ने अते नवीं फसल लई बीज वजो बीजे भी जा सकदे हन। की होर भी अजिहे बीज हन जो असी खा सकदे हां? सुखमन ने मेरा हाथ खिंचदे होए पुछया। बहुत सारे ने पुत्तर, कुछ बीज साड़ी रसोई विच भी हन, जिवें जीरा। कुछ बीजा तो आटा तैयार किया जाता है, जिवें कणक। सरों दे बीजा तो तेल तैयार किया जाता है। चाचा, मैनू फुल बहुत सोहने लगते ने, तुसी मैनू गुलाब अते गेंदे दे बीज लिया देवोगे? सुखमन ने मैनू कहा। जरूर पुत्तर, गेंदे दे बीज तां मिल ही जाणगे, पर की तैनू पता है कि गुलाब दे बीज नहीं बीजे जांदे, आम तौर ते उस दी कलम लगदी है। गुलाब दी कलम पत्थर चट। चाचा, कलम की हुंदी आ? पुत्तर, गुलाब दे पौधे तो लगभग दातण जिन्नी मोटी टाणी कट लई जांदी है। इस नूं जमीन विच लगा दित्ता जांदा है। कुछ दिन बाद पत्ते निकल आउंदे हन। की तुसी जानदे हो कि पत्थर चट ब्रायोफाइलम अजिहा पौधा है जिस दे पत्ते तो नवें पौधे उग आउंदे हन? इसे तरह कुछ पौधे जड़ां तो उगाए जाते हैं, जिवें शक्करकंदी। क्रिया एक, आओ बीजा तो पौधे उगाउण दी क्रिया जानिए। नंबर एक, कणक दे कुछ बीज लवो। नंबर दो, खेत विच्चों थोड़ी जही उपजाऊ मिट्टी लै लवो। नंबर तीन, एक कप पानी लै लवो। नंबर चार, घट्टो घट चार गमले लै लवो। नंबर पांच, हर एक गमले नूं वखरे वखरे नाम ऊड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा दे देवो। नंबर छे, ऊड़ा गमले विच कणक दे कुछ बीज पा के धुप्पे रख दियो। आड़ा नंबर सात, आड़ा गमले विच कुछ मिट्टी पाओ, उस विच कुछ बीज बीजो अते धुप्पे रख दियो। नंबर अठ, ईड़ी गमले विच कुछ मिट्टी पाओ, उस विच कुछ बीज बीजो अते थोड़ा जिहा पानी पा के हनेरे कमरे जां अलमारी विच रख दियो। नंबर नौ, सस्सा गमले विच कुछ मिट्टी पाओ, उस विच कुछ बीज बीजो अते थोड़ा जिहा पानी पा के धुप्पे रख दियो। कुछ दिनों बाद उस गमले विच कणक दे बीज उंगर जाणगे। सस्सा गमले विच कणक दे बीज चंगी तरह उग पैणगे। की तुसी बाकी गमलियां विच पौधे ना उगण दा कारण जाणदे हो? बीजां नूं चंगी तरह उगण लई हवा, पानी, मिट्टी अते सूरज दी रोशनी दी जरूरत हुंदी है। किरिया दो, तुसी अपने घर विच सस्सा गमले वाले तरीके नाल रुत अनुसार मनपसंद बीज बीजो अते उस संबंधी
हेठ लिखी सारणी पूरी करो। बीज दा नाम, बीजण दी मिति, पुंगरण दी मिति, पुंगरण तो 7 दिनां बाद पौधे दी उचाई, पुंगरण तो 15 दिन बाद पौधे दी उचाई। मैं अते सुखमन रोटी वाले बर्तन लै के घर नू वापस चल पे। गली विच्चों लंघदियां सुखमन मेरी बाह खिंच के बोलिया, चाचा जी देखो उस छत उत्ते भी पौधे उगे हुए हन, कि यह पौधे किसे ने छत ते बीजे हन? नहीं सुखमन, इना पौधिया नू किसे ने छत उपर बीजिया नहीं, बल्कि इना दे बीज किसे ना किसे तरीके छत उत्ते पहुंच गए होंगे। चाचा जी ओ किवें? बेटा बीज बड़े तरीक्यां नाल एक स्थान तो दूजे स्थान तक पहुंच जाते हैं, जिवें पंछी बहुत सारे रुखां उत्तों फल तोड़ के खाण लई लै जाते हैं अते फल खाण तो बाद बीज छत्तां उपर रह जाते हैं। अक दे बीज अपने खंभां नाल हवा विच उड़ के एक थां तो दूजी थां पहुंच जाते हैं। अक अते गाजर बूटी दे बीज छोटे आकार अते हल्के भार कारण हवा राही दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। पुटकंडा अते गुत पटना अक्सर जानवरां दे शरीर नाल चिंबड़ के दूजियां थावां तक सफर करते हैं। इस तो इलावा जल लिली अते जल कुंभी पानी राही दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। किरिया 3 अपने अध्यापक दी मदद नाल अपने आले दुआले अजिहे बीजां दी सूची बनाउण दी कोशिश करो जो किसे ना किसे तरीके एक थां तो दूसरी थां पहुंचदे हन। याद रखण योग गल्लां गन्ने दे छोटे छोटे टुकड़े जमीन विच दब के इस दी बिजाई कीती जांदी है। पत्थर चढ़दे पत्ते तो ही नवे पौधे उग जाते हैं। शक्करकंद जड़ तो उगाया जाण वाला पौधा है। बीज नू उगण लई हवा, पानी, मिट्टी अते धुप्प दी लोड़ हुंदी है।